21वें इंस्टॉलमेंट का किसे नहीं इंतजार है, जहां आए दिन दबंग 3 को लेकर मीडिया में तरह तरह की न्यूज आती ही रहती है, वहीं अब खुद सलमान ने किया इस फिल्म को लेकर एक बड़ा खुलासा। नमस्कार, मैं हूँ श्रेया और स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। वेल, दबंग 3 के लिए जहां फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं अब खुद सलमान खान ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि इस साल 1 अप्रैल से दबंग 3 की शूटिंग शुरू कर दी जाएगी। सिर्फ यही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक दबंग 3 को इस साल दिसंबर में रिलीज किया जाएगा। वेल, सलमान जो फिलहाल भारत के पोस्ट प्रोडक्शन में बिजी है, उन्हें एक बार फिर चुलबुल पांडे बनते देखना वाकई दिलचस्प होगा। वैसे क्या आप चुलबुल पांडे को स्वागत करने के लिए तैयार है? वेल, हमें अपना सुझाव बताएं और जुड़े रहे बॉलीवुड स्पाई के साथ। सुपर कॉप फ्रेंचाइजी की बात करें दोस्तों, तो रोहित शेट्टी साहब ने अपना एक अलग ही यूनिवर्स बनाया है, जहां पर सबसे पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सिंघम, फिर उसके बाद आता है आला रे आला, सिम्भा आला, और अब आने वाले हैं वीर सूर्यवंशी। लेकिन हाल ही में रोहित शेट्टी ने एक और बात कह दी है, और उन्होंने एक महिला कॉप को, यानी कि एक लेडीज इंस्पेक्टर को, लेडीज कॉप को भी, मतलब उन पर बेस्ड एक फिल्म भी बनाने की सोची है। नमस्कार, मैं हूं राहुल बोध, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल में। तो सबसे पहले बात करते हैं रोहित शेट्टी जी ने क्या सोचा और उन्हें ये आइडिया कैसे मिलता है। अच्छा, अगर आप लोगों ने अभी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की एक फिल्म देखी होगी जिसका नाम था कैप्टन मार्वल, तो उसमें अमेजिंग काम किया था ब्री लार्सन ने। आप लोग वो रिव्यू देख सकते हैं मेरे आप चैनल में, अगर सर्च करेंगे आप बॉलीवुड स्पाई में, तो मेरा रिव्यू आप वहां पे देख सकते हैं। तो ऐसे में आपको बता दूं दोस्तों, रोहित शेट्टी साहब ने फिल्म देखकर सोच लिया है कि वो एक लेडी सिंघम बनाने वाले हैं। जी हाँ, सिंघम ही फ्रेंचाइज में, जो सिंघम 1 सिंघम 2 आई थी, तो सिंघम फ्रेंचाइज में वो लेडी सिंघम का किरदार भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उन्होंने बोला, और वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है और वो चाहते हैं कि एक लेडी कॉप भी आए इस पूरी फ्रेंचाइज में। वेल, अगर दोस्तों ऐसा होता है तो लिटरली मजा आ जाएगा, क्योंकि बॉलीवुड में ऐसे दमदार लेडी पुलिस इंस्पेक्टर की जो भूमिका है वो बहुत ही कम महिलाओं ने निभाई है। हाँ, कुछ कुछ महिलाओं ने बहुत अच्छी तरह निभाई है, जैसे माधुरी दीक्षित ने करी है, प्रीति जिंटा ने करी है, हमारी रानी मुखर्जी जी ने की है, सुष्मिता सेन ने की है, बिपाशा बासु ने की है, लेकिन वो इतना प्रोमिनेंट, इतना उभर कर, इतना फुल ऑन मसालेदार तरीके से नहीं आ पाए। रोहित शेट्टी जानते हैं कि उन्हें फुल ऑन मसाला किस तरीके से लाना है, तो मैं तो सुपर डुपर एक्साइटेड हूं इस बात को जान के और सोच रहा हूं कि कौन होगा। वेल, मैं अपनी बातें आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किसे लेडी इंस्पेक्टर के रूप में, लेडी सिंघम के रूप में देखना चाहेंगे, और बॉलीवुड में कौन सी अभिनेत्री इस कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से निभा सकती है। कमेंट सेक्शन आपका है एज यूजुअल, बताइए मुझे और बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको हर एक बात की जानकारी देता रहूंगा। राहुल भोज का वादा।